आज से नहीं, 2018 में पेनक्रियाटाइटिस हुआ था, उसके बाद दर्द रहता है, कभी जलन रहती है, और आज तो थोड़ा सा मुझे आराम है, लेकिन कल तक मैं पेन किलर खा रहा था। आप लेट सकते हैं यहाँ पर। ग्लोरी टू जीसस। कहिए, इसे प्रार्थना कहिए, मैं अपने लिए करा रहा हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों, यहाँ पर आपने एक वीडियो का क्लिप देखा है यहाँ पर कि प्रोफेट बजिंदर सिंह के चर्च में यहाँ पर एक मीडिया वाले के साथ क्या हुआ। यहाँ पर एक मीडिया वाले जो हैं, प्रोफेट बजिंदर सिंह ने उनके लिए प्रार्थना किया, उसके पेट में कोई दिक्कत था जो कि प्रोफेट बजिंदर सिंह ने वहाँ पर लेटा कर और उनके लिए प्रार्थना किया, और वो वहाँ पर उस मीडिया वाला का जो भी प्रॉब्लम था, जो भी उसके शरीर में दिक्कत था, सब गायब हो गया। और एक मीडिया वाले के लिए प्रोफेट बजिंदर सिंह ने भविष्यवाणी किया, जो कि मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, आइए हम इस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे। आज आप देख लेना, मैंने आपके ऊपर हाथ रखा है, आप कितने धनी होने के लिए जा रहे हो। अब आपके घर में चमत्कार होने जा रहा है कि नहीं? सबसे पहला चमत्कार आपके घर होगा, नहीं तो मेरा नाम प्रोफेट बजिंदर नहीं। इतना बड़ा चैलेंज। 2018 में पेनक्रियाटाइटिस हुआ था, उसके बाद दर्द रहता है, कभी जलन रहती है, और आज तो थोड़ा सा मुझे आराम है, लेकिन कल तक मैं पेन किलर खा रहा था। आप लेट सकते हैं यहाँ पर। ग्लोरी टू जीसस। कहिए, इसे प्रार्थना कहिए, मैं अपने लिए करा रहा हूँ। पवित्र आत्मा जी, प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, ये जो पेनक्रिया की प्रॉब्लम है, मेरे पिता यीशु मसीह के नाम से, मेरे हाथ रखने से, मेरे प्रभु, ये तेरी सामर्थ है, ये भाई चंगा हो जाए यीशु मसीह के नाम में। और सब लोग हाथ बढ़ाओ। और प्रभु, क्योंकि तूने कहा जहां दो तीन जन बैठकर प्रार्थना करते हैं, मैं उनके बीच में हाजिर होता हूं। मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं ये भाई भी चंगा हो जाए, और सच में थोड़े दिन में इसकी भी गवाही आने पाए यीशु मसीह के नाम में। आप गुड न्यूज मिलेगा आपको यीशु मसीह के नाम में। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो को देखा है, यहाँ पर प्रोफेट बजिंदर सिंह ने उस मीडिया वाले के लिए भविष्यवाणी किया, और एक पत्रकार और था जिसके लिए प्रोफेट बजिंदर सिंह ने प्रार्थना किया, जो कि उसके पेट में कोई प्रॉब्लम था, कोई दिक्कत था, और वो पत्रकार वहाँ पर प्रोफेट बजिंदर सिंह से बोला कि मेरे पेट में ऐसे ऐसे दिक्कत है। तो प्रोफेट बजिंदर सिंह ने कहा कि आप यहाँ पर लेट जाइए, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। और वहाँ पर वो लेट गए, प्रोफेट बजिंदर सिंह ने उनके लिए प्रार्थना किया, और उनकी वो बीमारी गायब हो गई। परमेश्वर ने उन्हें आशीष दिया, और प्रोफेट बजिंदर सिंह का चमत्कार सभी मीडिया वाले ने उस चर्च में देखा, और सभी मीडिया वाले को वहाँ पर भरोसा हुआ, विश्वास हुआ कि हाँ, परमेश्वर में शक्ति है, यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। और यही ये वही पत्रकार हैं, ये वही न्यूज कंपनी के पत्रकार हैं, जो कि न्यूज नेशन का जो पत्रकार वहाँ पर प्रोफेट बजिंदर सिंह को बदनाम करने की कोशिश लोगों ने किया था, ये वही कंपनी का पत्रकार है। लेकिन दोस्तों, ये वो लोग नहीं थे जो लोग प्रोफेट बजिंदर सिंह को बदनाम करने की कोशिश किए थे, लेकिन ये उसी कंपनी से हैं, लेकिन ये वो लोग नहीं हैं। तो आप इस वीडियो के बारे में क्या कहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और प्रोफेट बजिंदर सिंह ने जो किया वो सही किया या गलत किया? प्रोफेट बजिंदर सिंह ने जो भी किया वो सही किया मेरे नज़र में, और प्रोफेट बजिंदर सिंह किसी के लिए गलत नहीं करते, वो हमेशा सबके लिए प्रार्थना करते हैं, सबके सेवा में लगे रहते हैं। वैसे आप क्या कहेंगे इस वीडियो के बारे में, कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सभी को जय मसीह की।